सो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करिए हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। देखिए गाइस, सीएम पंक पोटेंशियली अब जो सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में इन्वेस्ट हो चुके हैं, दैट इज अ रियली नाइस थिंग बिकॉज रियली आई वांट टू से दैट सीएम पंक इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। सीएम पंक जिस तरह से रिटर्न हुआ इज अमेजिंग। आई थिंक अब वो चीज़ें होने लगी हैं डब्ल्यू कंपनी में जो फैंस को चाहिए, वो जो हम सबको चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड अब हम सब कर रहे थे वो डब्ल्यू कंपनी प्रेजेंट कर रही है हम सबको, और आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सो अब इन फ्यूचर की बात करें, देखिए सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतना है, इज इट कन्फर्म? बिल्कुल इज इट कन्फर्म, सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतना कन्फर्म है बिकॉज उसके जितना मेगा स्टार, उसके जितना बड़ा स्टार फिलहाल की डेट में पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में अवेलेबल नहीं है, जिस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू सीएम पंक डिजर्व टू बी द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, दैट इज नाइस बिकॉज आई थिंक रेसलमेनिया नाइट वन का मेन इवेंट इज गोना बी सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, एंड नाइट टू का मेन इवेंट इज गोना बी रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट टू। आई थिंक दिस थिंग इज रियली वॉक। उसके अलावा सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस की अनस्क्रिप्टेड प्रोमोस बैटल के बारे में बात करें तो वो ऑलरेडी मैं आपको चैनल पर बता चुका हूँ कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस ऑफ स्क्रिप्ट जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहेंगे। आप आई थिंक आप कहोगे कि भाई ये चीज़ें सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी प्रेजेंट कर रही है हम सबको, ये चीज़ें सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हम सबको दिखा रही है कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस एक दूसरे पर ऑफ स्क्रिप्ट जाएंगे, यानी कि जो उनके दिमाग में आएगा वो चीज़ एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। आई थिंक फैमिली भी इंक्लूड होनी चाहिए दिस मीन्स, सो आई थिंक बैकी लिंच एंड सीएम पंक की फैमिली ए जे ली, सो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें पकने वाली हैं डब्ल्यू कंपनी में फ्यूचर में। आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूड दैट डब्ल्यू हैव सो मेड इन फ्यूचर, और सीएम पंक सेथ रॉलिंस के फ्यूड को देखने में उतना ही मजा आएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ रॉयल रंबल से पहले इनके बीच शायद मुझे नहीं लगता कि और कोई कन्फ्रंटेशन हो सकता है बिकॉज ये कन्फ्रंटेशन जो इस मंडे नाइट रो में इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, एंड आई थिंक अब रॉयल रंबल होने वाला है और रॉयल रंबल के आसपास जितने भी इनके कन्फ्रंटेशन होते हैं आई थिंक वो देखने लायक होंगे बिकॉज सीएम पंक ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं रॉयल रंबल 2024 को जीतने वाला हूँ, और अब देखना होगा कि भाई सेथ रॉलिंस क्या करेगा। सेथ रॉलिंस क्लियर कट, सेथ रॉलिंस की दिशा क्लियर है रॉयल रंबल में। सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल के अंदर ड्रू मैकइंटायर को फेस करने वाला है, एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एट द रॉयल रंबल इज ऑल सेट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। और आई थिंक ये मैच कमाल का होगा, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। आई थिंक ड्रू मैकइंटायर को वन चांस मिल चुका है जिसका सेकेंड टाइम चांस है, और आई डोंट थिंक सो ये मैच अभी बुक हुआ है बट ये नए साल में होगा, एंड आई थिंक रॉयल रंबल में भी यही मैच होगा और ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस आई थिंक कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू मी सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिटेन करेंगे अपना वर्ल्ड टाइटल, एंड सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेंगे, उसके बाद जो मज़ा आने वाला बिकॉज आई थिंक सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर से पहले एक सस्पेंस बना के रखेंगे कि मैं रोमन रेंज को भी चैलेंज कर सकता हूँ एंड मैं सीएम पंक को भी चैलेंज कर सकता हूँ। बट उस समय जो फ्यूड चलने वाली है वो सीएम पंक एंड कोडी रोड्स के बीच में चलने वाली है एलिमिनेशन चेंबर तक के, बिकॉज आई थिंक रॉयल रंबल एलिमिनेशन चेंबर को कोडी रोड्स जीतने वाले हैं, सीएम पंक रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं, कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर को जीतने वाले हैं। एंड इन्हीं की चीज के बावजूद एंड सीएम पंक कहेंगे कि भाई आई थिंक कोडी रोड्स को कि मैं रोमन इसको फेस करना चाहता हूँ, एंड कोडी रोड्स तो पता ही वो अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहते हैं, और कोडी रोड्स की स्टोरी रोमन रिंग्स है ना कि सेथ रॉलिंस, बिकॉज सेथ रॉलिंस को ऑलरेडी वो हरा चुके हैं और इतने समय से वो रो पड़ते हैं, उन्होंने तब सेथ रॉलिंस को चैलेंज नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। सो रोमन रिंग्स ही जो है वो कोडी रोड्स की डेस्टिनी होने वाले हैं, रोमन रिंग्स ही है जो कोडी रोड्स के हाथों डीथ्रोन होंगे, एंड रोमन रिंग्स ही है जो आई थिंक उनका एंड होने वाला है कोडी रूट्स के हाथों। बट अकॉर्डिंग टू मी सीएम पंक इज अ दोस मैन हु हैव हाइड बिहाइंड द अपॉर्चुनिटी, एंड सीएम पंक विद सेथ रॉलिंस इज अमेजिंग फ्यूड। आई थिंक रेसलमेनिया में मजा आने वाला भाई, फिलाडेल्फिया इज द बिगेस्ट वन नेक्स्ट ईयर, और आई थिंक रॉयल रंबल रोड टू रेसलमेनिया अमेजिंग है बिकॉज रॉयल रंबल एंड देन फिर एलिमिनेशन चेंबर एंड आफ्टर देन रेसलमेनिया 40 एंड आउटस्टैंडिंग फिलहाल इज अमेजिंग, लाइक लुक लाइक इज अमेजिंग। नेक्स्ट मैच की बात करिए हैं लोगन पॉल वर्सेस एली नाइट, कन्फर्म मान लीजिए, मैंने कल की वीडियो में कहा था बिकॉज लोगन पॉल का मैच एली नाइट के अगेंस्ट हो सकता है या फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एली नाइट, बट राइट नाउ रूमर जो निकल के आ रहे हैं वो ये है कि रेसलमेनिया का जो इवेंट होने वाले हैं उसके बीच में जो मैचेस हैं उसकी लाइनअप बता दूँ आपको, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक नाइट वन का मेन इवेंट,
रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स नाइट टू का मेन इवेंट, लोगन पॉल वर्सेस एली नाइट नाइट वन में ही मैच होगा, ये यूएस टाइटल का मैच होगा एंड आई थिंक उसके बाद कोई मैचेस नहीं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच हो सकता है एंड हाँ इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट उस समय गुंथर को अपना टाइटल हारना पड़ेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड कभी ना कभी तो हारना पड़ेगा, बट आई थिंक वो रेसलमेनिया ही जगह हो सकती है जहाँ पर गुंथर अपना टाइटल हारे। लेकिन ब्रॉक लेसनर के लिए अपोनेंट मुझे नहीं लगता फिलहाल कोई है एंड ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले लेसनर का अपोनेंट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक लेसनर रॉयल रंबल में आने वाले हैं और रॉयल रंबल में उनका कोई मैच हो सकता है किसी अपोनेंट के साथ, बट आई थिंक लेसनर को रॉयल रंबल में उतारना कहीं ना कहीं बिगेस्ट मिस्टेक होने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी वो ना करे। और ब्रॉक लेसनर के लिए अगर रेसलमेनिया में फ्यूड है तो वो रॉयल रंबल से बिल्डअप होनी शुरू हो जाए तो मजा आने वाला है एंड दैट्स इट थिंग। अब रोमन रेंस की बात करें, देखिए रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं दो दिन बाद एंड उनको जो एडवर्टाइज किया जा रहा है वो ये है कि रोमन रेंस जो है वो अपनी फैमिली को लेकर बात करने वाली, यानी कि सोलो सिको एंड जिमी उसो, एंड आई थिंक यहाँ पे जी उसो का भी मैंशन होने वाला है और आई थिंक रोमन रेंस आएंगे, आई थिंक सी एम पंक को भी एड्रेस करेंगे क्लियर कट है एंड आई थिंक उसके बाद सेथ रॉलिंस एंड आई थिंक बहुत चीज़ें होने वाली है यार, बिकॉज आई थिंक यहाँ पर रोमन रेंस को इंटरप्ट कर सकते हैं कोडी रोड्स। जी हाँ बिल्कुल, रोमन रेंस की सेगमेंट में शायद कोडी रोड्स उनको इंटरप्ट कर सकते हैं और आई थिंक यहाँ से क्लियर कर प्रीटी श्योर है कि कोडी रोड्स ये जो वाली नेशनल चैंपियन को जीत के रोमन रेंस को रेसलमेनिया में फेस करेंगे, क्लियर कट है यार और कोई रास्ता ही नहीं है भाई, इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ कोडी रोड्स एंड आई थिंक रोमन रेंस जब आएगा तो आई थिंक कहीं ना कहीं पिछली बार जब उनका रिटर्न हुआ था क्राउन जूल में आई थिंक वो मज़ा नहीं आया रोमन रेंस को देखने में, बट आई थिंक राइट नाउ वो सिचुएशन रोमन रेंस की कहीं ना कहीं चली गई है, वो ट्राइबल चीफ वाली हेड ऑफ द टेबल WWE यूनिवर्सल चैंपियन, तो वो कहीं ना कहीं वापसी आए और आई थिंक रोमन रेंस को देखने में मजा आए मैं वो चाहता हूँ और वो फ्यूड थे जो सब प्रेजेंट कर रहे हैं एंड आई थिंक रोमन रेंस आगे कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है, आई थिंक कुछ भी हो सकता है। सो देखते हैं स्मैकडाउन का एपिसोड में क्या होता है दोस्तों। सो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको वीडियो पसंद आई तो आई थिंक ये लोकल पॉडकास्ट था हमारा, छोटा था ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट आई थिंक अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। जय माता दी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।